वी आर इनसाइड द वेनु वन। तो अभी हम लोग वेनु वन के अंदर में आए हुए हैं, तो बाहर से नहीं जाते थे। तो वेनु वन के अंदर में देखो, पता नहीं, हम लोग पहली बार आए, राजगीर दो तीन बार आया हूँ लेकिन इसके अंदर में पहली बार आया हूँ। देखता हूँ इसके अंदर में क्या क्या है। तो देखो पीछे दिखा दो, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में। क्या है उसके बाद जाएंगे हम लोग गर्म पानी वाला जो कुंड था वहाँ पे नहाने के लिए। बहुत लोग आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, सोए हुए भी बहुत सारे लोग। तो या शायद बीच में कुछ नहाने के लिए बना हुआ है, और बीच में से कुछ थोड़ी दिख रहा है क्या क्या है। देखो यहाँ पे बीच में कुछ बनाया हुआ है, बोटिंग के लिए बनाया हुआ है। तो देखो बहुत ही व्यू तो यार कहना नहीं है, मतलब छोड़ू जबरदस्त। बोटिंग के लिए नहीं, बोट वोट रखा हुआ है लेकिन कोई बोटिंग कर नहीं रहा है, लेकिन बस व्यू दिखा रहा था उनको। देखो कितना सही व्यू है। आने के बाद देखो फव्वारा चालू हो गया है। अभी तो जैसे जहाँ से स्टार्ट किया हो, स्टार्ट करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट तो स्टार्ट किया था। तो सही लग रहा भाई, तो व्यू देखो तो कुछ कहना ही नहीं है, जबरदस्त। इधर में वही जो बुद्ध भगवान का प्रतिमा बना रहा था, कुछ अजीब सा एक पेड़ मिला है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। तुम लोग जानते हो तो बताओ भाई क्या चीज़ का पेड़ है। पता नहीं क्या के पेड़ है, बांस नहीं है, पता नहीं क्या है। तुम लोग जानते हो तो बताओ, व्यू तुम लोग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ पहले। ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, था नहीं बस बैठने वाले जगह है, तो वहाँ पर थक वक के आता है तो यहीं पे आके बैठता है, और कुछ है नहीं यहाँ पे। बस वैसे ही हम लोग बस घूम रहे हैं, और जो जो आके बैठ आता है उन लोग को बैठने के लिए बस वो जगह है और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। तो क्या है, अब सीधा जा रहा है कुंड की ओर। तो कुंड की ओर जाने के लिए बस यही बगल में ही पुलिस वाले थे यहाँ, तो बताया कि बगल में ही है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है, सोच रहा हूँ पैदल चला जाऊँ वैसे ही। सो भीड़ की छोटी हुआ, जब भीड़ से परेशान है क्योंकि आज मेला लगा हुआ है, शायद यही है क्योंकि सब यहीं से। भाई गजब गंदा भीड़ है, लाइन में क्यों है भाई, साइड में देखो लाइन लगा हुआ है सब, पता नहीं क्यों लाइन लगा हुआ। अगर उसके लिए होगा ब्रह्म के लिए तो फिर मुश्किल है, लेडी सिर्फ लेडी लोग ही लाइन लगी है, तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि उन लोग का लाइन होगा। सो देखो पूरा खाली है, लेडी लोग का देखो लाइन पूरा भरा हुआ है। सो हम लोग को उतना लाइन नहीं था, तो वी आर ट्राइंग टू गो इनसाइड, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बाहर का देखो क्या होता पता नहीं चल रहा, तो सो फिर जाते। सो चलो लाइन में लगे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। फोटो नहीं खींची पढ़ते जाइए ब्रह्मपुर में। तो भैया खड़े हैं
ऐसा भाई कि नहाने गया तो नहा तो नहीं पाया, तो फिर नहाने के बाद एक्चुअली हुआ कि झगड़ा झड़ नहीं, बहुत ना एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिला, तो हम लोग नहा नहीं पाए, सारा सामान वामान भींग गया, तो कुछ कर पाए इनको एक्चुअली कोई नहीं नहा पाया, सारा का हाल वही है, सारा फ़ोन वन बहुत लोग का भींग गया, तो कुछ हो नहीं पाया यहाँ पे, जैसा हम लोग सोचे थे, हम लोग जैसा आए थे वैसा हुआ नहीं कुछ, तो यही है कुछ इतना है, तो कुछ हुआ है नहीं है, तो चला जाए फिर राहुल लोग सब हो गया फिर वो देखो पहाड़ हुआ सामने में, सामने में इधर उधर पैर तो यार पीछे इतना जल रहा है, तो बोलो मत, तो यही है व्यू बाहर के अंदर में, कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था अंदर में, तो यही है बाहर का व्यू। जो अमरपुर गया की रहने वाली है, आप लोग के पास आ जाए, आप यहाँ लक्ष्मण झूला की ओर निकल रहे हैं, तो लक्ष्मण झूला की ओर जाने के लिए ऐसे 5 किलोमीटर, मतलब जो ब्रह्मा कुंड है उससे 5 किलोमीटर है, तो हम लोग बाइक से ही निकल ले रहे हैं, तो यहाँ पे पार्क किया तो उसका 20 रुपये लिया, तो यहाँ पे पार्किंग वार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग आराम से कर सकते हो, बाइक वाइक खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी हम लोग निकल रहे हैं लक्ष्मण झूला की ओर, ठीक है, वही लक्ष्मण सॉरी ब्रह्मा कुंड के लिए ही लाइन है, यहाँ से लाइन होते 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 जा रही है उधर। जो टांगा देख रहे हो, सब टांगा वहीं तुमको पहुंचा देगी, 5 किलोमीटर यहाँ से सिर्फ टांगा ही मिलती है, तो जो टांगा देख रहे हो ना वहीं से पहुंचा देगी तुमको वहाँ लक्ष्मण झूला। आजकल भीड़ है, यार देखो बस मजा आ गया देख के, देख रहे हो इधर में पहाड़ इधर में पहाड़ पीक रोड, ये देख के नहीं दिल गदगद कर जाता है, मतलब क्या बोले, देखो वो जो दिख रहा है ऊपर में तुमको व्हाइट कलर का, वहीं पे हम लोग को जाना है, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ऊपर में वहीं से हम लोग को, देखो रोपवे हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ से थोड़ा थोड़ा, उसी से हम लोग को रोपवे से ऊपर जाना है, पहुंच चुके हैं मस्त है, देखो गाड़ी को पार्किंग में डाल दिए, यहाँ का पार्किंग का दाम है 15 रुपये, तो देखो यहाँ पे व्यू है, यही पीछे में पहाड़ है, तो यही व्यू है भाई, तो मज़ा आ रहा है भाई, और आगे देखते क्या होता है। झूला पे आ चुके हैं, देखो यही सीन है, मजा आ रहा है भाई, सब लोग देखो डरे हुए, जो एजेड लोग हैं बहुत डरे हुए हैं, लेकिन हम लोग तो क्या, हम लोग को तो बस पानी नहीं जाना है, मजा आ रहा है भाई, व्यू देखो गजब, भाई वो लेके आ रहा हूँ तो तुम लोग को दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं अच्छे से, देखो चलो तो आगे में वो जो दिख, आगे में जा रही है 46 नंबर, उसमें छोटू है, इधर का देखो नीचे में देखो, अभी तो उतना ये नहीं है चढ़ाई है, तो देखो कितना धीरे 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 धीरे, देखो क्या व्यू है भाई, everything is looking very nice, बहुत अच्छा दिख रहा है, अब यहाँ से देखो भाई गहराई शुरू, देखो गहरा कितना गहरा हो गया अभी,
गंदा गहरा है अभी। यहाँ से गहराई देखो तुम लोग, यहाँ के बाद गंदा गहरा बारी आ गया उतरने का छोटू का, तो कब उतर रहा है धीरे धीरे, कब उतरेगा। तो हम लोग यही मंदिर है, ऊपर का व्यू है, शांति से लोगों का व्यू फोटो वोटो लेना तो सही दिख रहा है। We'll be right back.
लोग बस देखो एंजॉय करो। डाला जा रहा है, पता नहीं क्यों सिक्का डाल रहे, पत्थर से डाल डाल मार मार के उसमें घुसा रहे। एक से मैं दिखा रहा हूँ, एक से दिखा रहा हूँ।